हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लाइफ पेट्स के एक और नए एपिसोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा फिश के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बेटा फिश वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव फिशेस होते हैं जो कि हर कोई रखना चाहता है। बट इन फिशेस को रखने के लिए थोड़ा बहुत क्राइटेरिया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बात करेंगे आज आप बेटा फिश को कैसे रख सकते हैं अपने एक्वेरियम पे और उनकी केयर के बारे में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बेटा फिश जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिशेस है। उनकी फेदर जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन पे बहुत कलर डेफिनेशंस होती है। इनकी साइज़ की अगर हम बात करें तो इनका साइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम 4 to 7 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, इंक्लूडिंग देयर ब्यूटीफुल फेदर्स। गाइस, अगर इनकी नेचर की बात करें तो हम ये फिशेस जो है थोड़े बहुत टेरेस्ट्रियल फिशेस होते हैं जो कि अदर फिशेस के साथ ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। ये जो है अपनी स्पीसीज़ के मेल फिशेस, दो मेल अगर आप एक एक्वेरियम में रख दे तो विद इन फ्यू मिनट्स उनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा और विद इन आवर वन ऑफ देम विल बी एक्सपायर्ड। बिकॉज ये लोग बहुत, इनका निकनेम जो है फाइटिंग फाइटर फिश है क्योंकि ये अपने स्पीसीज़ के मेल फिश के साथ बहुत तगड़ा फाइट करते हैं। सो गाइज़, अगर हम इनकी बात करें कि इनको फीमेल के साथ रखा जा सकता है कि नहीं, तो गाइज फीमेल के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम तो रखा जा सकता है, बट समटाइम्स आप इनको नहीं रख सकते। सिर्फ उनकी स्पीसीज़ की नहीं, वो अदर स्पीसीज़ लाइक गोल्ड फिश, गोरामी, उन फिशेज़ के साथ भी आप उनको मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रख सकते क्योंकि वो फिशेज जो है इस पर अटैक करते हैं। सो गाइज़, अगर आप इनको रख सकते हैं तो रख सकते हैं फिशेज लाइक मोली, जेब्रा, कोरिकेट एक्सेट्रा। और ये फिशेस जो होती है फ्रेश वाटर फिशेस है। सो गाइज, आपको ध्यान रखना होगा कि आप भी छोटे टाइप के फ्रेश वाटर फिशेस के साथ ही इनको रखें तो ये बहुत ही अपने आप को सेफ फील करेंगे। अगर हम इनकी फूड की बात करें तो इनकी फूड जो है मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन रिच्ड होती है। इनको पैलेट टाइप का फूड ही आप देंगे तो ये बहुत प्रेफरेबल होगा इनके लिए। और ये इनके अलावा भी लाइफ फूड्स लाइक स्मॉल वर्म्स एक्सेट्रा खा सकते हैं। सो गाइज, ये देख रहे हैं आप मेरा एक्वेरियम पे ये बेटा फिश है। इसको मैंने अलग चैम्बर पे रखा है क्योंकि इस पर गोल्ड फिश और गोरामी भी है। इसके अलावा इस एक्वेरियम में अदर फिशेज भी है लाइक जेब्रा, मोली एक्सेट्रा, कोरिकेट भी है जो कि इनके साथ रह सकते हैं, बट मैंने इसको अलग करके रखा क्योंकि इसमें गोल्ड फिश, रेनबो और गोरामी भी है। सो इसलिए आप अगर एक्वेरियम लाए तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके एक्वेरियम में कौन से टाइप की फिशेज है, उनके अकॉर्डिंग ही आप बेटा या फिर फाइटर फिश को लाए। और अगर आपको लगता है कि आपके एक्वेरियम में ऐसे फिशेस है जो कि इनके साथ फाइट कर सकते हैं तो इनको अलग अलग चैम्बर में आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा एक चैम्बर में अलग आइसोलेट करके। सो गाइज, इनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये फिशेस बहुत हार्डी होते हैं। इनको ऑक्सीजन उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इनको फ्रेश वाटर उतना ज़्यादा, मतलब क्लीन वाटर उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इनको वाटर टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। इनफैक्ट इनको जो है फ्लोइंग वाटर भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आप एक्वेरियम में इनको रखना चाहते हैं तो बी श्योर दैट आपके एक्वेरियम में ऐसा कोई फिश ना हो जो इनको हार्म करे या फिर ऐसा कोई फिश ना हो जिनके साथ ये लोग फाइट करे। सो गाइज, इसको आपको ध्यान में रखना होगा और ध्यान में रखना होगा कि आपके वाटर टैंक का फ्लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ना हो। और आपको ध्यान रखना होगा कि एक्वेरियम जो है वो बहुत ही क्लीन ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसमें ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज, ये थी बेटा फिश के बारे में एक कंप्लीट वीडियो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड पेट। अगर आपको पेट्स के बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।